तीन दशक तक जंगल में एक छत्र राज कायम कर खौफ की दुनिया में हनक रखने वाले दस्यु सम्राट ददुआ के दाहिना हाथ व गैंग के मास्टरमाइंड बागी राधे उर्फ सूबेदार सिंह की हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद चित्रकूट के रगौली जेल से रिहाई हो गई। राधे की जेल से रिहा होते ही सपापुर विधायक वीर सिंह पटेल व उनके बेटे अरिमदन सिंह व सैकड़ों की संख्या में पहुंचे समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया है। जेल से रिहा राधे उर्फ सूबेदार सिंह ने कहा कि अब समाज के बीच रहकर समाज सेवा करेगा। आपको बता दें कि डकैत राधे पर एक सैकड़ा से अधिक आपराधिक मामले यूपी और एमपी में दर्ज थे। आपको बता दें कि यूपी एमपी के तराई क्षेत्र में तीन दशक से अधिक समय तक दुर्दांत डकैत ददुआ ने आतंक की बादशाहत का अपना साम्राज्य बनाए रखा। ददुआ के जीते जी कभी भी पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। उसकी एक तस्वीर के अलावा कोई दूसरी फोटो तक नहीं रही। तमाम सफेद पोशों के संरक्षण में रहने वाले ददुआ का सियासत में भी कभी प्रभाव था। तराई में बैलेट पर बुलेट भारी थी, जीत उसी के कदम चूमती थी जिसे ददुआ का साथ मिलता था। आपको बताते चले कि डकैत ददुआ राधे बंदूक की नोक पर अपने एक इशारे पर सफेद पोसों को सांसद, विधायक, जिला पंचायत, नगर परिषदों और ग्राम प्रधान बनाने का मुद्दा रखते थे। बड़े बड़े राजनीतिक नेता इनसे चुनाव में सलाह और सहयोग लेते थे। अर्थात यूपी में चुनाव के समय कई राजनीतिक प्रत्याशियों की हार जीत का सेहरा इन्हीं के दम पर बांधता था। 2007 में ददुआ के मारे जाने के बाद गैंग की कमान राधे उर्फ सूबेदार के हाथ आ गई, लेकिन ददुआ के मारे जाने के बाद 2008 में राधे ने अपने चार साथियों के साथ सतना एमपी के बरौंधा थाने में सरेंडर कर दिया था। राधे उर्फ सूबेदार चित्रकूट जनपद के करवी कोतवाली अंतर्गत सपहा का मूल निवासी है। 15 साल बाद आज जेल से बाहर निकले हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। इतने लंबे समय तक जेल में रहना पड़ा, कितने मुकदमे थे, कितना क्या, कितना बड़ा मुश्किल सफ़र रहा ये? सफ़र तो बहुत मुश्किल रहा, लेकिन आप लोगों की कृपा से सब जो है पार हो गया। जैसे काफ़ी लंबा समय आपने 30 साल करीब जंगल में बिताया, 15 साल जेल में निकल गया, 45 साल की उम्र तो ऐसे ही निकल गई, अब क्या मतलब समाज के बीच में पहली बार आएंगे 45 साल बाद? अब आप लोगों के बीच में समाज की सेवा करूँगा जो बन पड़ेगा। तो क्या लगता है कि सेवा का सही माध्यम क्या है, राजनीति या कुछ और? राजनीति है, हर समाज सेवा है, राजनीति है, हर तरह से की जा सकती है। फिलहाल क्या इरादा है, अभी क्या करना है? फिलहाल तो अभी तो बहुत दिन में जा रहा हूँ घर, परिवार के साथ, आप लोगों के साथ समाज में रहूँगा, फिर देखा जाएगा। तो घर में जाएंगे, छोटे छोटे नाती है, पहली बार मुलाकात होगी, कितना इमोशनल पल होगा वो? बहुत, पूछिए ना। अच्छा, अगर बागी जीवन की बात करें तो कैसे इतना लंबा समय, कैसे, कितना संघर्ष किया, कहाँ सोते थे, क्या खाते थे, कैसे इंतजाम होता था? जंगलों में रहते थे, वहीं खाना खाते थे, वहीं पानी पीते थे, वहीं रहते थे जंगलों में। कहते हैं तमाम बड़े बड़े नेता आप लोगों से जो है सलाह लेने और सहयोग लेने के लिए आते थे जंगल में। तो सर सब लोग पता ही है, सच्चाई क्या है, आप लोग सब लोगों को पता है। तमाम सारे आपके हैंड राइटिंग में तमाम सारे खत आए हैं। अरे वो तो बहुत बना लेते, फर्जी बना लेते थे। हम लोग वहाँ तस्दीक तो नहीं करने जाते थे कि कहाँ कौन किसको दे रहा है, ना कोई बताता था, नहीं इस जीवन को लेकर बड़ा दुर्भाग्य हुआ है। हम लोग जानते भी नहीं, ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई हैं, हमने किया नहीं और हमारा नाम आ गया है। तमाम लेटर चिट्ठी इधर उधर भेजते थे, नहीं हम लोग जानकारी नहीं होती थी। तो आपको क्यों कूदना पड़ा? जब अखबारों में, टीवी में, नीचे करो यार, ऐसी सामाजिक परिस्थितियां थी। नहीं ठीक ठीक बोलो, अभी रुक जा, सब करना पड़ा, कुछ पारिवारिक, कुछ सामाजिक, ऐसी परिस्थिति की यहाँ जाना पड़ा, ये सब करना पड़ा। कितना